हापुड़ के थाना धलौना पुलिस व जनपदीय एसओजी टीम ने ग्राम शेखपुर खिचरा में घटे दोहरे हत्याकांड का 48 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से मृतका की TVS राइडर मोटरसाइकिल व घटनास्थल में एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बिना नंबर की बरामद की गई। मृतका शहजादी उर्फ खुशबू के चाल चलन से परेशान होकर उसके पति जेठ, जेठानी व ससुर ने योजनाबद्ध तरीके से गला घोटकर खुशबू व उसकी मां कौशल की हत्या कर दी। आपको बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त कर घटना करने के पश्चात भ्रमित करने के उद्देश्य से मकान के मेन गेट पर ताला लगाकर फरार हो गए थे। धौलाना थाना क्षेत्र में एक डबल मर्डर हुआ था, जिसमें शहजादी और खुशबू बच्ची थी जो कि 22 वर्ष की थी, और उसकी माँ थी जो कौशल 62 साल की थी। उस अपने घर में ये दोनों मृत अवस्था में मिली थी, और अगल बगल पड़ोसियों को जब बदबू मिली तो उसके बाद उन लोगों ने सूचना दी थी, तो बाद में पुलिस गई थी वहाँ पे और उनकी डेड बॉडी बरामद करके PM कराया था। इस पूरी घटना का 48 घंटे के अंदर हापुड़ पुलिस ने इसका अनावरण किया है, और इस घटना में शामिल जो खुशबू है उसका हस्बैंड समीर और फुरकान जो कि समीर का बहनोई है, और गुलपसा जो कि समीर की जो बहन है, और राशिद जो समीर का पिता है, इन 4 लोगों का घटना में अनावरण हुआ है, और जिससे पता चले कि इन 4 लोगों ने मिल करके जो है इसका मर्डर किया है, जिसमें राशिद जो है 120B का अभियुक्त है, और इसमें फुरकान और गुलपसा और राशिद की गिरफ्तारी, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी वो बरामद हुई है, और एक और अन्य मोटरसाइकिल जो मृतका थी उसकी उसके हस्बैंड उसको लेके भाग रहा था, वो मोटरसाइकिल भी रिकवर हुई है। इन 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। समीर की गिरफ्तारी अभी शेष है, उसके लिए टीमें हमारी लगी हुई हैं, अतिशीघ्र उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। क्या रीज़न रहा था मर्डर का, क्यों मर्डर किया गया? समीर जो शहजादी और खुशबू के चाल चलन से वो परेशान था, और उसके लगातार फ़ोन आते थे, और उसको शक था इस बात का कि वो उसका चाल चलन ठीक नहीं है, बार बार चीज़ों को मना करता था, वो नहीं मानती थी, इस नाते उसने रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची थी। सर, किस तरीके से हत्या की गई थी दोनों महिलाओं की? इन दोनों महिलाओं का गला घोट करके और मुंह पे दबा करके जो है इनको मारा गया था।